गुणनखंड प्रमेय द फैक्टर थ्योरम। जब किसी भाज्य बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कर रहे हो और शेषफल शून्य हो जाता हो तब इसके क्या मायने होते हैं? शेषफल के शून्य हो जाने से क्या भाज्य और भाजक में कोई नया संबंध दिखाई पड़ता है? शेषफल के शून्य हो जाने पर भाज्य और भाजक के संबंध को हम पहले अंकगणित के एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, फिर बहुपदों में इस संबंध को पता करेंगे। 25 को भाज्य और 5 को भाजक के रूप में लेकर देखते हैं कि भागफल और शेषफल क्या होंगे। भाजक 5 से भाज्य 25 को भाग देने पर वह भाग 5 बार में जाएगा और होगा 5 × 25। 25 को 25 से घटाने पर शून्य शेषफल के रूप में प्राप्त होगा और 5 भागफल के रूप में। चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, तो हम कह सकते हैं कि भाज्य के स्थान पर हमने रखा 25 बराबर भाजक के स्थान पर 5, भागफल के स्थान पर फिर से गुणा में 5 और धन शेषफल के स्थान पर 0, तो हमें मिलेगा 25 बराबर 5 × 5। इस संबंध को देखकर यह कह सकते हैं कि भाजक 5 भाज्य 25 का एक गुणनखंड है। करके देखें, 15 को 3 से भाग करके उपरोक्त रूप में लिख कर देखिए कि क्या इसमें भी इसी प्रकार का संबंध मिलता है। क्या बहुपदों के भाग में भी इसी प्रकार के संबंध दिखाई पड़ते हैं? आइए इन संबंधों को इस उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण 12। यदि बहुपद x की घात 2 ऋण 16 को बहुपद x ऋण 4 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होगी? सबसे पहले हमारे पास भाज्य जो है वह है x की घात 2। x नहीं होने के कारण हम यहाँ पे 0 × x लिख सकते हैं ऋण 16। ये हमारा भाज्य है। भाजक जो है हमारा x ऋण 4 है। अब x को ऐसी किस संख्या से हम गुणा करें जिससे हमें x का घात 2 प्राप्त हो? तो x को जब हम x से गुणा करेंगे तो हमें x की घात 2 प्राप्त होगा। फिर ऋण 4 को पुनः x से गुणा करेंगे तो हमें ऋण 4x प्राप्त होगा। इसे घटाने के लिए हम चिन्ह जो है विपरीत चिन्ह होंगे, धन का ऋण और ऋण का धन। x की घात 2 ऋण x की घात 2 शून्य हो गया और इसका योग करने पर हमें 4x प्राप्त हुआ ऋण 16। अब x को जब हम धन 4 से गुणा करेंगे तो हमें 4x प्राप्त होगा और ऋण 4 को धन 4 से गुणा करने पर ऋण 16 मिलेगा। घटाने के लिए विपरीत चिन्ह हुआ, धन का ऋण और ऋण का धन। 4x ऋण 4x शून्य और ऋण 16 धन 16 शून्य, तो शेषफल जो है हमें शून्य प्राप्त हुआ। यहाँ ये हमारा शेषफल है। स्पष्टता भागफल एक्स धन 4 और शेषफल शून्य है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे एक्स धन 4 जो है हमारा भागफल है और शेषफल शून्य है। यह इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भागफल x धन 4 और शेषफल 0 है।
अब इसे हम इस रूप में लिख लेते हैं। चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भाज्य के स्थान पर x का वर्ग ऋण 16 बराबर भाजक के स्थान पर x ऋण 4 गुणे में भागफल के स्थान पर x धन 4 धन शेषफल के स्थान पर 0। उदाहरण 12 में हम देख सकते हैं कि x ऋण 4 व x धन 4 का गुणनफल x का वर्ग ऋण 16 आ रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ भाजक x ऋण 4 x वर्ग ऋण 16 का एक गुणनखंड है, लेकिन ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब शेषफल 0 हो। पता करें कि क्या x धन 4 को x वर्ग ऋण 16 का एक गुणनखंड कह सकते हैं? अब हम यह कह सकते हैं कि जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, तब वह भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होता है। इस कथन को गुणनखंड प्रमेय का सरल रूप कह सकते हैं। देखा जाए तो गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय का ही विस्तारित रूप है।